खूबसूरत इंदौर का दिल्ली पब्लिक स्कूल। शुक्रवार की वो सुबह किसी ने सोची भी नहीं थी और यहाँ से बच्चे आना जाना कर रहे थे। रोज़ की तरह लगाए स्कूल बस में सवार हुए बच्चे बाईपास की ओर जाते हुए बस की अचानक ट्रक से जाकर टकरा जाती है और बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। इंदौर पब्लिक की ये बस आपको साफ बता रही है कि किस तरह का भयावह एक्सीडेंट हुआ है और किस तरह से इस भिड़ंत में बच्चों का क्या हाल हुआ है। बच्चों को तुरंत संभाला जाता है, घायलों को तुरंत वहाँ से सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर रेफर किया जाता है। किसी भी तरह से बच्चों को बचाने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया जाता है। देखते ही देखते परिजनों को सोशल मीडिया पर सूचना मिलने लगती है और परिजन सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचने लगते हैं और एकाएक माहौल ऐसे धीरे 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 चेंज होने लगता है कि एक तरह से बच्चे घायल लहूलुहान तो कुछ मासूमों की जान चली जाती है। माहौल धीरे धीरे बदलता जाता है और पूरा इंदौर शॉक की लहर में चले जाता है। ड्राइवर की भी मौत हो जाती है और वहीं पहुंचे जिम्मेदार क्या कहते हैं सुनिए कि आखिर हमारी ओर से कोई गलती नहीं है, बसें फिट है, सब कुछ ठीक है। सुनिए जरा इन्हें। नहीं, स्पीड गवर्नर था, मैं आपको दे दूंगा, आप इस पर इसकी रिपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ। स्पीड गवर्नर उसमें लगा हुआ था, रोज़ मार्टा जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, उसका स्पीड गवर्नर लगा हुआ था उसके अंदर, और GPS भी लगा हुआ था, CCTV की भी कैमरा था। तो कल उससे स्कूल से रिपोर्ट अपन ने इन RTO के अधिकारी MP सिंह को, जो कि कह रहे थे कि सब कुछ ठीक था और जिम्मेदार, लेकिन उस माँ का क्या जिसके बच्चे आखिर वो खो बैठी है। जिम्मेदारों ने अपना पल्ला झाड़ा, लेकिन हम आपको आज दिखा रहे हैं सच क्या है। इन अधिकारी का सच जब हम सामने खुद पहुंचे बस के पास, तो देखिए हमने बस के अंदर की जो चीज़ें देखी तो आप भी चौंक जाएंगे। सड़ी हुई बस है ये, जिसको रिपेयर करके फिर से सड़क पर दौड़ाया गया था पूरी तरीके से, और इसी हैंडल से जिसको जाम होने के बाद बस वहाँ अटक गई थी। और ये वो सड़ा हुआ पूरी बस का अंदर का वो, और वो बच्चे जो कि अब हमारे बीच में नहीं हैं। कौन है जिम्मेदार इनका? अधिकारी, प्रशासन, सरकार, कोई जवाब तो दे। आखिर इन मासूमों की मौत का कोई तो जिम्मेदार होगा। पूरा शहर रो रहा है, अंतिम विदाई में पूरा शहर उमड़ पड़ा है, कैंडल मार्च निकल रहा है, माओं के आंसू थम नहीं रहे। आखिर कोई तो जवाब दो कि कौन है जिम्मेदार। सड़क पर सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं है। सब ने अपनी खाना पूर्ति की हुई है,